श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जन वल्लभाय नमः, श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शिवल्लभं लोकवल्लभं वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तव पुनः पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साई लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहृत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वरदतामभिवर्धताम्। नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुं स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुं श्रीकृष्णाय नमः श्रीगुरुभ्यो नमः। उमस उपस्थित समस्त प्रियजन, भगवदीय जन, वल्लभीय जन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारी इस प्रश्नोत्तरी के सत्संग क्रम में खूब खूब स्वागत करता हूँ। आज 5 या 7 मिनट लेट आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे खास करके फेसबुक के सभी मित्रों से और यूट्यूब पे हमको श्रवण करते सभी लोगों से। मैं खास आग्रह करूंगा कि मैं आज 5-10 मिनट अधिक आपके साथ व्यतीत करना चाहूंगा क्योंकि मैं आज 5 मिनट लेट प्रारंभ कर पा रहा हूँ। हमारे साथ आज के जो प्रश्न हैं उनमें सबसे पहला प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण गीता में आज्ञा करते हैं अर्जुन को कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, तो शरणागति क्या धर्म नहीं है? पुष्टि मार्ग में शरणागति एक धर्म माना गया है तो यह विरोधाभास क्यों? यहाँ पे ये जो प्रश्न है इसमें सुस्पष्टतया नीचे हमको श्लोक भी भेजा गया है, सो मैं एक बार पूर्ण रूप से इस श्लोक को भी मैं आप सभी के आगे वाचना चाहूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये भगवान का उपदेशात्मक वचन भगवद्गीता में 18वें अध्याय में बहुत प्रसिद्ध वचन है और वाल्मीकि रामायण और भगवत गीता ये दोनों ही ग्रंथों में शरणागति के और आत्मनिवेदन के ये दोनों ही चरम श्लोक वैष्णव संप्रदायों ने माने हैं। इनको लोग चरम श्लोक भी कहते हैं। जब विभीषण जी की शरणागति हुई तो विभीषण जी को राक्षस कुमार और रावण का भाई होने के कारण युद्ध नीति, कूट नीति और धर्म के भी दृष्टि से भगवान रामचंद्र जी के समस्त सलाहकार मंत्रियों ने मना किया कि आप इनको शरण मत लीजिए क्योंकि इस समय पर जब युद्ध अपने माथे पे है और हमको पता भी नहीं है कि शत्रु का प्रदेश कैसा होगा, क्या होगा, वहां जाने पर हमारी क्या स्थिति होगी, पहले तो हम कैसे जाएंगे और उसमें अगर आपके प्रधान शत्रु का भाई अगर आपको आके शरणागति मांग रहा है तो वो तो इस सेना में आके हमारा कुछ ना कुछ अनिष्ट भी कर सकता है। तो रामचंद्र जी को जब सभी लोगों ने काफी मना किया, सलाह दी, अपने अपने ढंग से मंत्रणा दी, बुद्धिमान मंत्रियों ने, सुग्रीव के नल नील, सुग्रीव, अंगद, जामवंत आदि सभी ने, एक केवल हनुमान जी थे वो मौन थे क्योंकि हनुमान जी विभीषण जी को जानते थे, वो विभीषण जी को मिल चुके थे इसलिए अपना अभिप्राय राज्यसभा में उन्होंने बिना पूछे नहीं दिया। लेकिन जब सभी लोगों ने अपना अपना पक्ष भगवान रामचंद्र के सामने रखा
तो रामचंद्र जी ने एक ही उपदेश दिया कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम् मम, कि मेरा ऐसा व्रत है कि कोई भी व्यक्ति सकृदेव प्रपन्नाय, कोई भी एक आदमी ये अच्छा काम मेरे सामने आके करेगा कि केवल इतना मुझे कहेगा कि मैं तुम्हारा हूं, तवास्मिति च याचते, मैं तवास्मी, मैं तुम्हारा हूं, बस इतना मुझे अगर कोई व्यक्ति आके एक बार भी कहेगा तो अभय दान मैं उसको दूंगा, ये मेरा व्रत है और मैं इस व्रत को कभी भी तोड़ता नहीं। अर्थात रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, मतलब मैं वचन दे चुका हूं, ये मेरा संकल्प है जीवन का। सकृदेव प्रपन्नाय, प्रपन्न मतलब शरणागति की दृष्टि से, शरण भावना के साथ, किसी ने भी आके मुझे एक बार भी कहा कि मैं तुम्हारा हूं, ऐसा करके यदि वो मेरी शरण में आ गया तो वो रावण भी क्यों ना हो, मैं एक बार तो उसको क्षमा करूंगा और उसको अभय दान दूंगा। तो तवास्मिति च याचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो, सर्वभूतेभ्यो, ये तो फिर भी विभीषण है, पर यदि रावण भी आ जाए तो मैं उसको भी अभय दान दूंगा एक बार तो, क्योंकि उसने मेरी शरण में आके मुझे कहा है मैं तुम्हारा हूं। अब देखो ऐसा है, यहां ये दो मतलब ये बहुत धर्मशास्त्रों के और विशेष करके भक्ति शास्त्र के, जैसे आप सब भी जानते हो कि श्री महाप्रभु जी ने भी अर्थोयमेव निखिलैरपि वेद वाक्यैहि रामायणैहि सहित भारत पांचरात्रैहि अन्यैश्च शास्त्र वचने सह तत्व सूत्रैहि निर्णीयते सहृदय हरिणा सदैव।